किया हमने, लाइट बंद करना प्लीज कुनिका, वहां से लाइट बंद कर दो। तो इसमें सपोज 15 जूल की एनर्जी है फोटोन के पास, इलेक्ट्रॉन है, 10 जूल वर्क फंक्शन है, 5 जूल के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसकी वैल्यू एच न्यू फोटोन जो है उसकी, मान लो जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो फोटोन के पास कितनी एनर्जी है एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट या फिर एच इंटू न्यू नॉट, और ये एनर्जी को क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक हो गया। इट मीन्स एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। पहला पॉइंट क्लियर है। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन की टक्कर का है। अगर आप 1,00,000 फोटोन्स भी ले आओ ना, और अगर आप ये कहो कि 1,00,000 फोटोन्स की एनर्जी सफिशियंट नहीं है, लेट से 1,00,000 फोटोन है, एनर्जी की वैल्यू सिर्फ 5 जूल है, और एक इलेक्ट्रॉन को हिलाने के लिए 10 जूल चाहिए, अब चाहे आप 1,00,000 फोटोन भी ले आओगे तब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए 1,00,000 लोग नहीं चाहिए, 1,00,000 एटम नहीं चाहिए, फोटोन नहीं चाहिए, सिर्फ एक फोटोन चाहिए और सफिशियंट एनर्जी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जब मैं बोलता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जब मैं बोलता हूं नंबर ऑफ फोटोन्स, तो मैं बात करता हूं इंटेंसिटी की, तो मैं बात इंटेंसिटी की करता हूं। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हार्डली मैटर्स कि उस केस में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से मूव कर रहे हैं उसको सिर्फ एक ही फोटोन से मतलब है, 1,00,000 फोटोन से कोई मतलब नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक आयुषी प्रभजोत, तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं इसमें, इसमें एक इंटेंसिटी वर्ड यूज होगा, इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा, याद रखना। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मैंने आपको बताई दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगी, वो डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ फोटोन पे। ठीक। फिर हमने कुछ ग्राफ प्लॉट किए। पहला ग्राफ हमने प्लॉट किया था एक इंटेंसिटी का एंड करंट का, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और हमने डिस्कस किया कि अगर फोटोन्स ज्यादा गिरेंगे ऑफ एज्यूमिंग की सफिशियंट एनर्जी है, मतलब इस ग्राफ को बनाते हुए मैं लेके चलूंगा कि मेरे फोटोन्स के पास इतनी सफिशियंट एनर्जी है कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके। अगर उनके पास एनर्जी ही नहीं है सफिशियंट तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। तो एज्यूमिंग कि सारे फोटोन्स के पास एनर्जी है, तो अगर फोटोन्स के पास एनर्जी है तो अगर मैं ज्यादा फोटोन्स गिरूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा फोटोन्स गिरूंगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। पहला ग्राफ सबको क्लियर है कि इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ग्राफ था एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का, वी स्टॉपिंग पोटेंशियल का एंड करंट का। इंटेंसिटी इंटेंसिटी कुछ नहीं है बीच में, नहीं है लिखा हुआ है कुछ इसमें, नहीं, इंटेंसिटी उसके ऊपर लिखी हुई है। हाँ, ग्राफ के ऊपर आई वन आई टू लिखा हुआ है, पर ये ग्राफ इंटेंसिटी का बिल्कुल भी नहीं है। इसमें दो ही एक्सेस है, इसमें सिर्फ दो एक्सेस है, एक आपका वाई एक्सेस है और एक आपका एक्स एक्सेस है, तो ये थ्री डायमेंशनल ग्राफ तो नहीं है। चलो मैं बुक्स में देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, पहले मेरे अकॉर्डिंग सुन लो। दो एक्सेस है, एक पोटेंशियल है और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सपोज करो एच न्यू एनर्जी है फोटोन की और एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आ रहे हैं? तो इसमें हाफ एम वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये भी क्लियर है? मतलब अगर मैं न्यू फ्रीक्वेंसी दूं
रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू हो, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हो, तो मेरा इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से आगे मूव करेगा, और अगर इतनी एनर्जी से मूव करेगा और मैं उसको अगर रोकना चाहता हूं तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है पोटेंशियल की वैल्यू। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दे दोगे वी नॉट, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो, बिकॉज चार्ज इंटू पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, ऐसे किया था आपने, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी है। इस एनर्जी या वर्क डन लगा के आप इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हो। तो सपोज हाफ एम वी स्क्वायर को रोकना है तो कितनी एनर्जी देनी है, ई टाइम्स वी नॉट, ई इंटू वी नॉट की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि मैं आपको ये बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, उसको रोकना है, और अगर रोकना है तो कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा वी नॉट, तो टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, ई टाइम्स वी नॉट। ठीक है, यहां तक। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था ऐसे हाफ एम वी स्क्वायर के साथ, और मैंने उस इलेक्ट्रॉन को रोक लिया बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, उस इलेक्ट्रॉन से जब मैंने पूछा कि तेरे को कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, वो क्या बोलेगा, जितनी मेरी काइनेटिक एनर्जी है उसके हिसाब से पोटेंशियल लगा देना, मैं रुक जाऊंगा। अब मैं उसे ये पूछता हूं कि तेरे साथ और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मुझे क्या बोलेगा, आपको इससे क्या लेना देना, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प से चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन को रोको चाहे आप 1,00,000 इलेक्ट्रॉन को रोक लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे रुक जाएंगे। कहने का मतलब, अगर आपका ये इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन के लिए तो नहीं है, मतलब इंडिविजुअली हर इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन सेम रहेगी, पर मैं ये तो नहीं कहता इसमें एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं आ रहे, इसका मतलब ये इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ना, यहां तक। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को रोकने तो कितनी एनर्जी अप्लाई करनी है, ई टाइम्स वी नॉट, और अगर सेकंड पर रोकने तो भी ई इंटू वी नॉट, अगर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन चल पड़े उनको रोकने तो भी ई इंटू वी नॉट। इसका मतलब कि अगर हाफ एम वी स्क्वायर, अगर हाफ एम वी स्क्वायर डिपेंड नहीं करता किस पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, हाफ एम वी स्क्वायर तो एक ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, तो ये डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। ठीक, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, और कितने फोटोन्स, एक फोटोन, क्योंकि सबकी फोटोन की एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। यहां तक सबको क्लियर है, समझ आ रहा है सबको, तो इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ फोटोन। इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं ना कि मेरे पास अगर मैं एक फोटोन आप सब फोटोन हो, मेरे पास एनर्जी 10 जूल 10 जूल 10 जूल, तो हम सबके पास 30 जूल, इकट्ठी नहीं होती ना इसकी एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट बंद होते हैं फोटोन का एनर्जी का, तो वो मिल नहीं सकता, 10 और 10 20 जूल मिला के एक इलेक्ट्रॉन को हिला नहीं सकते, 10 जूल को ही एक इलेक्ट्रॉन को हिलाना है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन को हिलाना है, समझ आ रहा है यहां तक। तो इसलिए नंबर ऑफ फोटोन यहां पर मैटर नहीं करते, तो इसमें हाँ एक चीज में नंबर ऑफ फोटोन अपना रोल प्ले करते हैं, अगर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जरूर निकल पड़ेंगे, अगर 10 फोटोन गिरते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, अगर 100 फोटोन गिरते हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जरूर है, तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा निकलती है। तो इसमें यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप दो रेडिएशन लेते हो, एक की वजह से करंट ये आ गया, लेट से जितना भी करंट है, और सेकेंड की जो वेरिएशन है उसका करंट ये आ गया, नो डाउट इसकी इंटेंसिटी से I2 शुड बी ग्रेटर देन I1, ज्यादा होगी, तभी तो इसका करंट इसके करंट से ज्यादा है, लेकिन इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी कम या ज्यादा करने से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, एंड एज्यूमिंग कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, फोटोन की एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों के केस में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम है। याद है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, हाँ, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आपको ये पता कैसे लगा कि इसका कर्व लीनियर नहीं होगा और ऐसे जाएगा। हाँ, इसमें जरूर कंफ्यूजन होगी कि ये कर्व मैंने ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिया बिना किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है,
یہ میں نے نہیں ڈرا کیا، یہ آپ کی ہر بک میں ایسے ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کہیں آپ گھر جا کے یہ سمجھنے کی کوشش کر دو کہ سر وہ تو لینئر گراف آتا تھا کہ انٹینسٹی زیادہ انٹینسٹی کم، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ گراف کس کا ہے؟ اسٹاپنگ پوٹینشیل کا ہے. اور کس کے ساتھ؟ کرنٹ کے ساتھ. تو جس نے بھی یہ گراف بنایا ہوگا، جو بھی یہ ریزلٹس ہیں، یہ میتھمیٹیکلی گراف بنے ہوئے ہیں، بٹ اس کا جو پروف ہے میتھمیٹیکل کی یہ کہاں سے اکویشن سے بنائے گئے ہیں، ہم وہ اسٹڈی، ہم صرف ویریشن اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ایسا گراف ہے اور ہم گراف کو اسٹڈی کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے اس کرو کی شیپ ایسی کیوں ہے، اس کا آنسر میں دے نہیں پاؤں گا اور آپ ڈھونڈ بھی نہیں پاؤ گے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ پہلا یہ گراف کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ یہ ایک الیکٹرون، میں ایک فوٹون، میرے پاس 15 جول کی انرجی، اس کو 10 جول چاہیے تھا، میں نے اس کو ہلا دیا، 5 جول سے موو کرنا شروع کر گیا. اب میں ساتھ میں اگر 100 لوگ ساتھ میں لے آؤں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے لے آؤ 100,000 لے آؤ، میرے کو کیا لینا دینا؟ میرے کو تو صرف آپ ہی نے ہٹ کرنا ہے نا، میرے کو آپ تو ٹچ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایک فوٹون ایک الیکٹرون کو ہلا رہا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے تو ایک ہی فوٹون بہت ہے. تو اس لیے ایک فوٹون ایک الیکٹرون کے لیے نمبر آف فوٹون کتنے آ رہے ہیں اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. کرو یہ بتا رہا ہے کہ اگر انٹینسٹی زیادہ ہے انٹینسٹی کم ہے، انٹینسٹی اگر مان لو زیادہ ہے انٹینسٹی کم ہے، تو کرنٹ کی ویلیو زیادہ ہے کرنٹ کی ویلیو کم ہے. یہ ٹھیک ہے، کیونکہ انٹینسٹی زیادہ کا مطلب نمبر آف فوٹون زیادہ ہے، تو نمبر آف الیکٹرون زیادہ موو کریں گے، اور اگر نمبر آف فوٹون کم ہے تو فوٹو الیکٹرون کم موو کریں گے. تو زیادہ فوٹو الیکٹرون موو کرنے کا مطلب کرنٹ زیادہ، اور آئی ون کم ہونے کا مطلب کرنٹ کم. یہ تو ایک ویریشن ہے. دوسرا، چاہے انٹینسٹی دونوں کی کم یا زیادہ ہے، لیکن سٹاپنگ پوٹینشیل دونوں کا سیم ہوگا. گراف تو دو چیزوں کے بیچ میں ہے، لیکن اس میں دو الگ الگ ریڈیشنز کا گراف بنایا گیا ہے ود انٹینسٹی آئی ون اینڈ آئی ٹو. ہے تو ویریشن کرنٹ اور پوٹینشیل کی، لیکن ساتھ میں تھرڈ فیکٹر لیا گیا ہے. آپ ایسے زیوم کر لو کہ دو طریقے کی ریڈیشن گری گئی، جب میں نے فرسٹ ریڈیشن کو گرا تو گراف یہاں پر آ گیا، جب میں سیکنڈ ریڈیشن کو گرا تو گراف یہاں پر آ گیا. اگر آپ کو ایسے پسند نہیں تو آپ ایک کام کرنا، دو گراف بنایا نا، آئی کا جو کرنٹ کا اور پوٹینشیل کا، ایک ایسے بنا دینا، اس میں کیا دینا یہ آئی ون ہے، سپوز یہ آئی ون ہے، پھر اس کے نیچے ایک اور بنا دینا وی اور کرنٹ کا، اس میں کیا دینا یہ آئی ٹو ہے. اب ٹھیک ہے، مطلب یہ فرسٹ ریڈیشن ہے آئی ٹو انٹینسٹی کے ساتھ اور سیکنڈ ریڈیشن ہے آئی ون انٹینسٹی کے ساتھ. تو بس میں نے الگ الگ بنانے کی بجائے ان گراف کو اکٹھا کر دیا. آئیڈیا کلیئر ہے کہ یہ گراف کیا شو کر رہا ہے؟ اور جو لاسٹ گراف ہے وہ گراف ہے اگین پوٹینشیل کا، اسٹاپنگ پوٹینشیل کا اینڈ کرنٹ کا، لیکن اس بار فریکوینسی نیو ٹو از گریٹر دین نیو ون، لیکن انٹینسٹی آئی فار انٹینسٹی انٹینسٹی از کانسٹنٹ. ٹھیک، تو اگر انٹینسٹی کانسٹنٹ ہے، نمبر آف فوٹونز کانسٹنٹ ہے، ایک کی فریکوینسی زیادہ ایک کی فریکوینسی کم، تو ایک کی فریکوینسی زیادہ کم کا مطلب سمجھتے ہو؟ دو الگ الگ ریڈیشنز گر رہی ہیں، پہلے ایک ریڈیشن کو گرا نیو ون کے ساتھ اور دیکھا کہ الیکٹرون کتنی تیزی سے بھاگتا ہے، تو نیو ون فریکوینسی کم ہے فوٹون کی، تو الیکٹرون کی کائنیٹک انرجی بھی کم ہوگی، اسٹاپنگ پوٹینشیل بھی کم ہوگا. اور اگر ایک اور ریڈیشن کو گرے وتھ نیو ٹو زیادہ فریکوینسی کے ساتھ، تو اگر فریکوینسی زیادہ ہے تو اس کا مطلب کائنیٹک انرجی بھی الیکٹرون کی زیادہ ہے، اسٹاپنگ پوٹینشیل بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک یہ کرو بن گیا اور ایک یہ کرو بن گیا، لیکن کیونکہ انٹینسٹی کانسٹنٹ ہے تو فوٹو الیکٹرک کرنٹ الٹیمیٹلی کیا آئے گا؟ سیم، لیکن نمبر آف فوٹون دونوں ریڈیشن میں سیم ہے. تو اگر نمبر آف ریڈیشن نمبر آف فوٹونز دونوں ریڈیشن میں سیم ہے، تو اس کا مطلب فوٹو الیکٹرک کرنٹ بھی کانسٹنٹ ہے، لیکن اسٹاپنگ پوٹینشیل نیو ٹو کا زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو نیو ون، کیونکہ اس کی فریکوینسی زیادہ ہے تو اسٹاپنگ پوٹینشیل بھی زیادہ ہے، فریکوینسی کم ہے تو اسٹاپنگ پوٹینشیل بھی کم ہے. یہ گراف یہ شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا یہاں تک بھی؟ ٹھیک، کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ اور کوئی ڈاؤٹ کنفیوژن تھی؟ اس کو پڑھو گے نا اگر تھیوریٹیکلی، بہت وہ گھماتا ہے، پیراگرافس بہت زیادہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں، جو آتا ہے وہ بھی دماغ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھائے گا کیسے نا.
تین چیزوں کو سمجھانا مشکل ہے نا, دو کے فیکٹر کو سمجھا دے گا, تیسری چیز کو دو کو ہولڈ کر کے تیسرے کو سمجھانا. تھیوری لکھ کے دیکھو نا, پیراگراف میں آپ سے بولتا ہوں چلو لکھ کے دکھاؤ, لکھ ہی نہیں پاؤ گے, لکھنا مشکل ہے. اچھے ورڈس چاہیے, بہت اچھا رائٹر چاہیے, آتھر اچھا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, تین چیزوں کو سمجھا رہا ہے نا, اس لیے یاد ہے. کلیئر ہے؟ تو اب کیا کرنا ہے مجھے, لاسٹ ویریشن ہے. لاسٹ ویریشن کس کی ہے؟ جو آخری ویریشن ہے وہ ایک تو اسٹاپنگ پوٹینشیل کی ہے اینڈ فریکوینسی کی ہے, اینڈ فریکوینسی کی ہے. اگر میری فریکوینسی لیس دین اسٹاپنگ پوٹینشیل ہے, سوری, اگر میری فریکوینسی لیس دین تھریشولڈ فریکوینسی ہے تو میرا الیکٹران موو نہیں کرے گا, اور اگر میرا الیکٹران موو نہیں کرے گا تو اسٹاپنگ پوٹینشیل کا گراف بننا ہی نہیں شروع ہوگا. تو یہاں سے لے کے یہاں تک مان لو میری فریکوینسی لیس دین تھریشولڈ ہے, پھر ایک ٹائم پر تھریشولڈ فریکوینسی آ گئی, میرا گراف ایسے بن گیا. مطلب ایز آئی انکریز مائی فریکوینسی میرا پوٹینشیل کیا ہونا شروع ہو گیا, انکریز ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ جب میری فریکوینسی گریٹر دین تھریشولڈ ہے تو میرا اسٹاپنگ پوٹینشیل بڑھنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ زیادہ فریکوینسی کرتا جاؤں گا کائنیٹک انرجی زیادہ ہوتی جائے گی, اسٹاپنگ پوٹینشیل بھی زیادہ ہوتا جائے گا. کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ تو اب گراف بالکل کلیئر ہے, تھیوری پڑھنے کی بہت ضرورت نہیں ہے, ایک ایک نمبر میں گراف آتے ہیں اس کے, ڈرا گراف بٹوین پوٹینشیل اینڈ فریکوینسی ایک ایک نمبر کے کوشچن سے. بٹ کانسیپٹ کلیئر ہے, کانسیپٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے یہاں تک. نیکسٹ کریں, نیکسٹ ہم نے نا لاس کیے تھے کچھ, بس ایسی نیچر ہوتی ہے ان کی, دکھتی نہیں نا نیچر, ویو پھر بھی میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ اسٹیڈیم کی طرح کوئی پارٹیکل موو کر رہے ہیں. اب الیکٹران فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہی ہے نا, تو پارٹیکل موو کرتا ہے تو ویو کی طرح موو کرتا ہوگا. نہیں یہ وہ نہیں, یہ تو وہ ہے کہ اگر بہت سارے پارٹیکل ایسے موو کر رہے ہیں نا تو ویو کی طرح بھی ایکٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب ٹرانسفر سے موو کرتی ہے پارٹیکل میں جگہ پہ رہتا ہے, وائبریٹ کرتا ہے, ہمارے ساتھ موو تو نہیں کرتا ویو کے ساتھ. اس میں تو فوٹون کا فوٹون ہی موو کر رہا ہے, چلتا ہی جا رہا ہے, اور ویو میں کہاں پارٹیکل چلتے ہیں, وہ تو کھڑے ہیں, انرجی کہاں ٹرانسمٹ ہوتی ہے. اگر وہی ہوتا تو پھر ڈیول نیچر کا چیپٹر کیا ہوتا, دو نیچر ہیں. اوکے اب ہم کیا کریں گے, آج ٹیسٹ بھی ہے نا؟ نو, ٹھیک ہے, ٹیسٹ اس کا ایٹمس کے بچے ہوئے اس کا جو ہم نے لیا تھا ریڈیس اور انرجی, اور بس اسی کا ہوگا ٹیسٹ تو ہر لیکچر میں. ویسے بھی اگلی بار کا ٹیسٹ سن لو, ڈیول نیچر کا سبجیکٹو ٹیسٹ ہے, جتنا آج ہوگا پورے چیپٹر کا سبجیکٹو ٹیسٹ ہوگا. آج کو نہیں پڑھ کے آئے تو کوئی بات نہیں, خالی شیٹ چھوڑو گے. چلو ہر کلاس میں ٹیسٹ ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. بہت فاسٹ پیس پہ روز تو چیپٹر ختم ہو رہا ہے, آج ڈیول نیچر ختم ہے, نیکسٹ ٹائم سیمی کنڈکٹر اسٹارٹ ہو جائے گا, وہی رہ گیا ایک سیمی کنڈکٹر اور پرنسپل کے پانچ چیپٹر رہ گئے, وہ بھی دو دو ایک ایک لیکچر میں ختم, سلیبس اینڈ پہ آئیے بالکل. سیمی کنڈکٹر جب اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا, اٹ مینس ہمارا اسٹیشن آ گیا ہے. مطلب ایسے سمجھتے ہیں فزکس کے جو پڑھتے ہیں کہ بس اب ختم ہو گیا. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو, زمین کنڈکٹر مینس فنش, ختم. چلو ابھی لاز آف فوٹو الیکٹرک ایمیشن بولتے ہیں, دیکھتے ہیں آگے, دیکھو پلیز. ہاں یاد ہے, ایکچولی اس لیے کروانا پڑ رہا ہے, اس کے پروف ہیں. تو پہلا لا کیا تھا بولو, چار لا سناؤ. پروف تو تب کروں گا نا جب چار لا یاد ہوں گے. چلو دیکھو آگے, دیکھو پلیز آگے, دیکھو آگے آگے سرش آگے آ جاؤ, آگے فوکس کرو پلیز. چار لاز جو ہم نے کیے تھے, فار ا گیون میٹل فریکوینسی آف انسیڈنٹ ریڈیشن نمبر آف فوٹو الیکٹرون ایجیکٹڈ پر سیکنڈ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو
इंटेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा, पहला लॉ। दूसरा लॉ कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ, अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। काफी देर का मैं समझा रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी एनर्जी के साथ, उसको ये मतलब नहीं है कि कितने फोटॉन्स गिरे थे, उसको मतलब है मेरे ऊपर तो सिर्फ एक ही फोटोन गिरा था, इसका मतलब एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स का दूसरा नाम क्या है? इंटेंसिटी। यहां तक क्लियर है? समझ आ रहा है ना यहां तक? तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। एंड लास्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, टक्कर होती टाइम लैग बहुत ज्यादा कम है, जैसी फोटोन गिरता है इलेक्ट्रॉन उसी टाइम मूव करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है मैथमेटिकली। सबसे पहले याद रखना क्वांटा, क्वांटा और क्वांटा भी एक ही चीज है कि लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट, टाइनी पैकेट को क्वांटा बोलते हैं या फिर फोटोन बोलते हैं, एक ही बात है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या कि अगर सपोज करो एच न्यू से फोटोन आया, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट है प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर है, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर है सबको, ठीक है ना यहां तक? तो एक्सप्लेनेशन देखो क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हमने चार लॉज किए, उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों सोचा किसी ने बनाने वाले ने, फर्स्ट है सिंस वन फोटोन इजेक्ट्स वन फोटो इलेक्ट्रॉन, therefore number of photoelectrons emitted per second depends upon number of photons and that depends on intensity। ठीक है ना? फर्स्ट लॉ ये तो बोलता है कि जितने फोटोन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, क्यों? क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ये रीजन है। अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो 1000 फोटोन्स 1000 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, तो इन दी एंड मैं ये बोलूंगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है यहां तक? नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होने का मतलब इंटेंसिटी ज्यादा। नेक्स्ट है कि अगर सपोज करो काइनेटिक एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो आप गेर रहे हो रेडिएशन की वो लेस देन थ्रेशोल्ड है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब कि आपका एमिशन नहीं होगा, नेगेटिव मीन आपका एमिशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई एमिशन नहीं होगा, यही आपका सेकेंड लॉ था मैथमेटिकली। ये भी चीज क्लियर है? थर्ड है, नेक्स्ट है कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनली किसके इक्वल थी, एच इंटू क्या, न्यू माइनस न्यू नॉट, यही था ना? ये तो कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, ये सही लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन तो नहीं बीच में आए ना, तो इसका मतलब सही बोला थर्ड लॉ भी, तो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। थर्ड लॉ भी क्लियर है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है। और लास्ट है, फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इफेक्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। इलास्टिक कोलिजन है और जितनी इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें जो टाइम लैग होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जैसी एक बॉल टक्कर मारती है दूसरी बॉल चल पड़ती है, तो ऐसे ही इसमें ये है कि इट इज सपोज टू बी अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इस वजह से क्या प्रॉब्लम है इसमें, टाइम लैग बहुत कम है। तो एक्सप्लेनेशन होगी चार लॉस की। नेक्स्ट है इसके अंदर कि ये कुछ नहीं है, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपको बताया हुआ मैंने कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वी नॉट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का मतलब क्या होता है, न्यू, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, न्यू नॉट। इसका रिलेशन हमें आता है कैसे, अभी बताया था एच न्यू इज एच न्यू नॉट प्लस क्या, ठीक है ना यहां तक? ये पॉइंट सबको क्लियर है, एच न्यू इज एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये भी क्लियर है?
काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, उसको रोकने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा स्टॉपिंग, आंसर आ गया। ये एक क्वेश्चन आ गई, रिलेशन बिटवीन वी नॉट न्यू एंड न्यू नॉट, बस आंसर। पॉइंट सबको क्लियर है? तो ये इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसे। तो इसमें ई वी नॉट काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के साथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जान के स्लो तो भागेगा नहीं, एनर्जी लॉस इसमें होता नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होती है, मिनिमम नहीं होती। तो मैक्सिमम लगा रहे हैं तो भी ठीक, नहीं लगाना तो भी कोई बात नहीं, हाफ एमवी स्क्वायर से काम चलेगा। तो नेक्स्ट है, आप ऐसा कर सकते हो न्यू की जगह सी बाय लैम्डा और न्यू नॉट की जगह सी बाय लैम्डा नॉट, ऐसे पुट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट है, न्यू की जगह सी लैम्डा, न्यू नॉट की जगह सी बाय लैम्डा, तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, लैम्डा और लैम्डा नॉट की फॉर्म में, वेयर लैम्डा रेडिएशन की वेवलेंथ है और लैम्डा नॉट कट ऑफ वेवलेंथ है, इसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, इसे कट ऑफ वेवलेंथ है। यहां तक क्लियर है? तो कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, समझ आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल मैंने हटा दी आपके असाइनमेंट में से, ये पहले होते थे अब नहीं होते, फिर भी अगर आपके स्कूल में आपको बुक्स में दिखे कहीं, वैसे दिखेंगे नहीं, ये आने बंद हो गए हैं, बहुत पहले होते थे, तो मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कुछ करना नहीं है इसमें, वैसे कभी नहीं आता इसमें से। नेक्स्ट है डी ब्रॉगलीज ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या था? डी ब्रॉगली ने क्या बोला, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है सब पढ़ते हो आप, उसमें सिखाते हैं कि कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, इट एक्ट्स लाइक अ पार्टिकल, इट कैन एक्ट लाइक अ वेव। ठीक, ये आपका डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है, लॉ नहीं बन पाया। हाइपोथेसिस वो थ्योरी होती है जो ठीक है 99% कुछ चीजों में सही चलती है, 1% फेल भी हो जाती है, लॉ कभी फेल नहीं होता। तो ये हाइपोथेसिस है और ये ऑलमोस्ट हर चीज में लगी जाता है। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल मूव करता है तो वो वेव की तरह भी एक्ट करता है और पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली अ मूविंग मटीरियल पार्टिकल समटाइम्स एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम्स एक्ट लाइक अ पार्टिकल, एंड अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद मोमेंटम एमवी, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, क्योंकि वो पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो डी ब्रॉगली ने कहा वो वेव की तरह एक्ट कर सकता है, तो अगर वेव की तरह एक्ट करेगा तो उसकी क्या होगी, वेव लेंथ होगी। अगर उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी वेवलेंथ होगी किसके इक्वल, एच अपॉन एमवी, क्योंकि अगर वो वेव बोल रहा है तो वेव की वेवलेंथ को देगा ना, तो इसलिए वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एमवी। यहां तक क्लियर है? ये हाइपोथेसिस है। ठीक, आगे अब डेरिवेशन है, डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ एच अपॉन एमवी आया वो कहां से आया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज, तो आता होता है प्रूफ करना, कि प्रूफ करो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये लैम्डा की वैल्यू कैसे आई। तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर, सबसे पहले अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, तो जैसे अगर सपोज करो द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज एच इन टू न्यू, तो बेसिकली उसने क्या किया, इसमें ई इज इक्वल टू एच न्यू यूज किया, एंड साथ में ई का एक और फॉर्मूला है मास एनर्जी रिलेशन, जिसके अकॉर्डिंगली ई इज एमसी स्क्वायर, एच न्यू और एमसी स्क्वायर को इक्वेट कर लिया, यहां से मास की वैल्यू निकाल ली, इक्वेट करके मास आ गया। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी सी है, मास एच न्यू बाय सी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई किया मोमेंटम आ गया। क्लियर है यहां तक? मोमेंटम चाहिए मेरे को और मुझे फाइनली लैम्डा निकालना है, तो मुझे एक चीज पता है कि ये मोमेंटम एच सी बाय एच न्यू बाय सी है, इसको सॉल्व करके सी से सी कैंसिल हो गया, एच न्यू बाय सी। एक काम करो, इस न्यू को सी के नीचे ले आओ, ये करेक्शन है इसमें, ये न्यू ऊपर नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, सी डिवाइडेड बाय न्यू। ठीक है ना स्टेप, न्यू न्यूमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गया, तो सी के नीचे आ गया, सी अपॉन न्यू, और सी अपॉन न्यू क्या होता है, लैम्डा। तो पी किसके इक्वल आ गया, एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, या लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एच डिवाइडेड बाय पी। यही आपका डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है। यहां तक क्लियर है? तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाय एमवी। पहला प्रूफ। दूसरा,
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये तो वो लेके चल रहा है सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो डी ब्रॉगली ने तो फोटोन के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसने फिर ये भी कहा कि चलो अगर फोटोन एक मूविंग पार्टिकल है और वो दो चीजों की तरह एक्ट करता है तो क्यों ना ऐसा करे, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करता है विद फोटोन्स, तो अगर फोटोन की दो नेचर है तो इलेक्ट्रॉन की भी दो नेचर है, और अगर ये चीज सही है तो इसको जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वैल्यू से निकाली। उसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले उसको इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना पड़ा। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन, देखो क्या ये टॉपिक है, क्या इसकी वेवलेंथ निकालनी है मूविंग इलेक्ट्रॉन की, पार्टिकल कौन है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना पड़ेगा, अपने आप तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कोई पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। एक होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकता है, एक होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो खड़े हुए इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। या ऐसे कर लो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करवाना है तो मैंने क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी है, और ये एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत क्वेश्चन ऐसे किए थे, याद है, कि अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, क्यू को मूव करवाना है, क्यू इंटू वी एनर्जी, और उस क्यू इंटू वी रादर मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो क्यू इंटू वी एनर्जी देके कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है यहां तक। तो ये मतलब जो पोटेंशियल वर्ड है, ये पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को रोक भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को चला भी सकते हैं। जैसे अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक काम करेंगे, दो प्लेट्स के बीच में माइनस माइनस एंड प्लस प्लस ऐसे लगा देंगे, माइनस माइनस रिपेल हो जाएगा, तो समझो मैंने कौन सा पोटेंशियल लगाया है यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर एक इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूं, मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा दूं, इसका मतलब मैंने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया है, बिकॉज प्लस मेरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। तो ये प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है आप पोटेंशियल लगा कैसे रहे हो, सीधा लगा रहे हो या फिर उल्टा लगा रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसके अंदर मैंने E इंटू वी एनर्जी दी, मैंने E इंटू वी इसमें एनर्जी दी हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में, तो V की वैल्यू आ गई। इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो अगर इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा तो लैम्डा क्या होता है, H अपॉन एम वी, वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, M को इसके अंदर ले आए तो ये आंसर आ गया। M को अंदर लेके जाओगे एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आएगा। याद है, क्लियर है, हम क्या निकाल रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मूव तो मैंने ही करवाया बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल, एच की वैल्यू मुझे मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, ये सारी वैल्यूज को अगर आप यहां पुट कर लें तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा। इसको याद कर लें कि कभी इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको मूव करवाने के लिए पोटेंशियल लगाना पड़ता है, तो अगर मैं वी पोटेंशियल लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो आपने याद रखना है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, याद है, क्लियर है। तो इतना लैम्डा इलेक्ट्रॉन का होगा, याद तक सबको क्लियर है, अनुराग समझ आ रहे। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ गई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो स्कूल वालों का फेवरेट ही है, जैसे वेंडी ग्राफ हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, ऐसे इस चैप्टर में ये हो गया, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को प्रूव किया एक एक्सपेरिमेंट के साथ। अभी तो हवा में बात चल रही है, ऐसा होता होगा, ऐसा जो है हम मानते हैं कि डी ब्रॉगली ने कहा कि मूविंग पार्टिकल एक पार्टिकल भी है और साथ में वेव भी है। तो इस बात को प्रूव किसने किया, इन साइंटिस्ट ने किया, डेविसन एंड जर्मर। कैसे किया, कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं पीछे लिखा हुआ था यहां पे शायद, तो स्टार्ट मैं मिस कर गया इसे, ये ना, ड्यूअल नेचर के अंदर फिनोमिनास ऐसे हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो सिर्फ और सिर्फ किस नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, वेव नेचर, हमने स्टडी किया है वेव ऑप्टिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट किस ऑप्टिक्स के, वेव ऑप्टिक्स के, कोई डाउट इसमें। लेकिन कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जैसे कॉम्प्टन इफेक्ट है, जो हमें नहीं, हमने नहीं किया हुआ,
या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने किया हुआ है, अभी अभी ये चैप्टर चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें वेव का कोई काम नहीं है। इसमें हम क्या मानते हैं, एक फोटोन है, एक फोटोन एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल और पार्टिकल की कोलिजन होती है। वेव वर्ड तो हमने कहीं यूज नहीं किया है चैप्टर में, तो इसका मतलब कि इसकी कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है। तो क्या रिजल्ट निकाला इन दोनों की मूविंग, जो जो लाइट है उसकी क्या नेचर है, ड्यूअल नेचर है। क्यों? क्योंकि कुछ फिनोमेना वेव की हेल्प से एक्सप्लेन किए जाएंगे और कुछ फिनोमेना पार्टिकल की हेल्प से एक्सप्लेन किए जाएंगे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक। फाइनली अब इस बात को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट किया था डेविसन एंड जर्मन ने। इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ हमने देखने करना नहीं है, करेंगे तो फिर बहुत 6-8 महीने एक साल तो लग ही जाएगा करने में। ठीक। तो अगले का रिसर्च का काम है पूरा। तो इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट में पहले बता दूं करने से पहले, क्योंकि जब मैं इसको अगर ऐसे ही करवाना शुरू कर दूंगा ना, आप लोग बिल्कुल घूम जाओगे इस टॉपिक में, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहां से शुरू हुआ था और ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो एक दो बातें क्लियर कर दूं, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करेगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन की बीम को मूव करवाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा और उन इलेक्ट्रॉन्स की बीम के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। एक क्या एक्सपेरिमेंट करेगा, उन मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेगा। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ निकालेगा। वेवलेंथ निकालने के दो तरीके करेगा, अब निकालेगा तो वेवलेंथ दो तरीकों से। एक कि मूविंग इलेक्ट्रॉन मानते हुए इट एक्ट्स लाइक अ वेव, तो कुछ ऐसा वेव ऑप्टिक्स का फिनोमेना लगाएगा जो सिर्फ वेव्स ही उसका आंसर दे पाएंगी, पार्टिकल नेचर आंसर दे नहीं पाएगी। अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करती है, कुछ ऐसा फिनोमेना सामने आएगा जो वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, और उस वेव के कॉन्सेप्ट से, जैसे इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट से लैम्डा निकाल के दिखाएगा। फिर उसी बीम को डी ब्रॉगली की हेल्प से, डी ब्रॉगली ने भी लैम्डा दिखाया था, H/P, तो कौन सी नेचर, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर से भी लैम्डा निकालेगा, मतलब वही इलेक्ट्रॉन की बीम है, उस इलेक्ट्रॉन की बीम से कोई वेव का फिनोमेना करेगा, उस इलेक्ट्रॉन की बीम से कोई पार्टिकल का फिनोमेना करेगा, निकालेगा दोनों चीज। निकालने के तरीके अलग अलग हैं लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू दोनों में क्या आएगी, सेम, और अगर सेम आ गई तो आपको भी मानना पड़ेगा कि इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर सही है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। तो इससे पहले मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूं तो मैं आपको ये बता दूं कि दो दो बार लैम्डास निकलेंगे, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी निकाला तो हमने लैम्डा, दूसरा लैम्डा बीच में कैसे आ गया। ठीक हो गया। दूसरी चीज, दूसरी कंफ्यूजन, और जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है वो ये, इसको करने के लिए हमें कुछ इंटरफेरेंस यूज करना पड़ेगा। इंटरफेरेंस वर्ड बड़ा छोटा है, वेव एक वेव आएगी, दूसरी वेव आएगी, इंटरफेयर करेगी, सुपरपोजिशन लगेगा और फिर किसी जगह पर मैक्सिमा, किसी जगह पर मिनिमा। हमने एक बार करके देखा ये कॉन्सेप्ट, किसमें, प्रॉपर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस अच्छे से की, और आपने देखा कि 2-3 लेक्चर लगे उसको समझने में। फिर हमने ट्राई किया डिफ्रैक्शन के अंदर भी कुछ इंटरफेरेंस थी, उसमें भी 2 लेक्चर हमारे लग गए करने में। फिर उसके बाद हमने सोप फिल्म की फॉर्मूलाज नोट कर लिए थे और 2 लेक्चर हमने उस पर बिल्कुल लगाए, 2 मिनट लगाए थे, लेकिन अगर आप डिटेल करने जाओगे सोप फिल्म के अंदर भी ऐसे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा पार्ट डिफरेंस का, कि पार्ट डिफरेंस क्योंकि 2 वेव्स हैं, तो सोप की फिल्म है उसमें ऊपर से लाइट आती है, नीचे से रिफ्लेक्ट होकर लाइट होती है, दोनों इंटरफेयर कर जाती है, तो वहां पर मैक्सिमा मिनिमा, जो हमने बाईपास कर दिया, हमने नहीं किया। चौथी बार फिर से बाईपास करेंगे, कहां करेंगे, एटम्स ही एटम्स हैं, लेयर ऑफ एटम्स हैं, यहां पर अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल होता है, उसमें लेयर ऑफ एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी उन लेयर से टकरा के वापस जाएगी, कुछ ऊपर से जा रही है, कुछ थोड़ी नीचे से जा रही है। तो अगर कोई वेव, मान लो आप एटम्स ही एटम्स हो और एक इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, ये यहां कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से वापस हो गए, कुछ नेक से वापस हो रहे हैं, कुछ नेक से वापस हो रहे हैं, और जाने वाली बीम इंटरफेयर कर गई। तो जब स्क्रीन के ऊपर जाके मान लो ये बीम गिरेगी, मान लो ये लाइट होती, तो आपको इंटरफेयर करने के बाद रिजल्ट आता या फिर मैक्सिमा आता या फिर मिनिमा आता।
इमेजिन करो ये इलेक्ट्रॉन की बीम नहीं होती, मान लो ये लाइट होती है, और अगर लाइट दो जगहों से रिफ्लेक्ट हो रही है सो फिल्म की तरह, या सो फिल्म आपने देखी नहीं है, बट अगर मान लो दो जगहों से, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो पार्ट डिफरेंस हो गया ना, उसको ज्यादा जाना पड़ा, इसको कम आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होने वाला है फिर से, और कहीं ना कहीं फिर से एक बार आने वाला है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, अब एक तरीका, हम अब बहुत डिटेल में चले जाएं और पार्ट डिफरेंस निकालें, फिर हमारी तसल्ली होगी हाँ मैक्सिमा मिनिमा आता है, फिर हम कंडीशन निकालें, अगर पार्ट डिफरेंस एन लैम्ब्डा है तो इसका मतलब मैक्सिमा, अगर नहीं है वो ऑड मल्टीपल है तो मिनिमा। दूसरा तरीका जो हमने करना है, हमने फॉर्मूला याद कर लेना है कि अगर कोई निकल क्रिस्टल में ऐसी इंटरफेरेंस होती होगी तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होती होगी और ये मिनिमा। ठीक है, तो यानी कि मैं थोड़ा सा आपकी बुक्स जैसे धक्का करती हैं, मेरे को भी करना पड़ेगा। इस लॉ को ब्रैग्स लॉ बोलते हैं, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने शायद थोड़ा सा ये वर्ड, ब्रैग्स लॉ इंटरफेरेंस शो करता है क्रिस्टल्स के, और आपको कोई बुक इतनी डिटेल में लेके नहीं जाएगी, आप कोई IIT तक की बुक उठा लो, क्रिस्टल्स के अंदर इंटरफेरेंस आपके किसी सिलेबस में भी नहीं है। तो इसलिए आप बुक्स भी ढूंढोगे आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, हाँ हायर किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री की बुक में आपको जरूर मिल जाएगा, नेट पे ढूंढने की कोशिश करोगे तो भी आपको मिलेगा, बट बहुत कॉम्प्लेक्स, तो बेटर यही रहेगा कि हम इसको सीधा करें। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, कहीं टॉपिक के अंदर आप चक्कर में पड़ जाओगे यार ये कैसे हो गया और ये कैसे आ गया, अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया, तो मैं पहले आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हम सीधा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। अब मैं शुरू करता हूं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से पहले मुझे लैम्डा निकालना है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक गन ले लेते हैं, जैसे गन से कोई बबल निकलते हैं, सोचो बबल ना निकले, सोचो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का बड़ा सही तरीका है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकलेंगे नहीं, आपको बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो एक मिनट के लिए ये एक गन है, इस गन में एक छोटा सा होल है, यहाँ पर ओपनिंग है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ टूवर्ड पॉजिटिव, क्योंकि मैंने यहाँ वी अप्लाई किया, मैंने वी अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो चल पड़े विद एनर्जी ई इंटू वी हाफ एम वी स्क्वायर, उनको तो यहाँ जाना था पर यहाँ ओपनिंग रखते हैं, इस ओपनिंग में से इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाता है, मतलब कुछ ऐसा तरीका है कि जैसे इलेक्ट्रॉन चलता हुआ इलेक्ट्रॉन है, और वो चलेगा कैसे, बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल डिफरेंस या वी, तो जैसे ही वो टच करता है या टच करने की कोशिश करता है वहां होल होता है और वहां से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। बट यहाँ पर मेन प्रिंसिपल ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गन कैसे बनी, एक्सपेरिमेंट तो उसके बाद स्टार्ट है, तो कंसिडर है इलेक्ट्रॉन गन से स्टार्ट करेंगे, वैसे बता रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है, और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन गन का वी बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी में क्यों बता रहा हूँ इंक्रीज या डिक्रीज होगी, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही पेनिट्रेट करेगा आपका इलेक्ट्रॉन नीचे क्रिस्टल में, और यहाँ रखा हुआ है एक निकल का क्रिस्टल, एक क्रिस्टल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर जाएगा, अगर कम वी दोगे तो कम एनर्जी होगी पेनिट्रेशन कम होगा, ज्यादा वी दोगे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी अंदर तक और लेयर्स तक आपकी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो पेनिट्रेट करेगा, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है, कर जाए, यहां से नहीं टक्कर खा के आएगा तो वहां से आ जाए, वहां से नहीं आएगा वहां से आ जाए, फर्क पड़ता है, जितनी दूर तक जाएगा पाथ डिफरेंस उतना ही बढ़ता होता जाएगा, कोई यहां से आ रहा है और सोचो कोई इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहा है, पार्ट डिफरेंस बढ़ गया, और अगर पार्ट डिफरेंस बढ़ गया मिनिमा मैक्सिमा बढ़ जाएंगे, मतलब ये कौन सा मैक्सिमा है, फोर्थ मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमा और पेनिट्रेशन, सिक्स्थ मैक्सिमा और पेनिट्रेशन, सेवन्थ मैक्सिमा, ऐसा कुछ होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब फर्क पड़ता है कि कितना पेनिट्रेट कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन अंदर, और पेनिट्रेशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल, तो इसलिए सारी गेम वी प्ले करेगा, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका इलेक्ट्रॉन गन पोटेंशियल वी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया, वी आपके हाथ में, करें आप स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, पहले कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गन जो वी चेंज कर सकती है, और ये एक निकल का क्रिस्टल, मुझे नहीं मालूम निकल का क्रिस्टल क्यों लिया, पर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि उन्होंने बहुत क्रिस्टल टेस्ट किए होंगे, बेस्ट इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो निकल पे रखा होगा, दिखा गया होगा, तो ऑब्वियसली ये तो कोई भी रिसर्च के अंदर कोई तो कंक्लूजन
ایسا تو ہے نہیں کہ ان کو سپنا آیا نکل لے لو تو چل صبح اٹھ کے نکل لے لیا. تو بیسیکلی تو آر این ڈی ریسرچ ہے, آپ بار بار ٹرائی کرتے ہو, جس کے اوپر بیسٹ ایکسپیریمنٹ آتا ہے وہ بیسٹ چیز ہو جاتی ہے. نکل اس کے لیے بیسٹ ہے, ہمیں یاد ہی کرنا ہے. ایک ڈیٹیکٹر ہے, ایک ڈیٹیکٹر ہے جو ڈیٹیکٹ کرے گا. کیا ڈیٹیکٹ کرے گا؟ الیکٹرانز یہاں سے ٹکرا کے یہاں جب اکٹھے ہو کے آئیں گے, کچھ یہاں پر آ رہے ہیں, کچھ یہاں پر آ رہے ہیں, کچھ یہاں پر آ رہے ہیں, کچھ یہاں پر بھی آئیں گے, یہاں پر بھی آئیں گے, یہاں پر بھی آئیں گے, تو بیسیکلی یہ ڈیٹیکٹر گھوم سکتا ہے. اگر الیکٹران بیم یہاں پر آ رہی ہے تو وہ کاؤنٹ کر کے بتائے گا نمبر آف الیکٹرانز کتنے ہیں. جب یہاں پر آ رہا ہے تو کتنے ہیں, جب یہاں پر آ رہے ہیں کتنے ہیں, یہاں پر کتنے, یہاں پر کتنے, یہاں پر کتنے, ہر پوائنٹ پر اگر الیکٹران گرے. مان لو یہی میری اسکرین ہے, مان لو اس کیس میں اسکرین سیدھی نہیں ہے, اس کیس میں اسکرین ٹیڑھی ہے, ایسی کچھ ہے, تو اس کے اوپر جب الیکٹران گرتے ہیں تو میرے کو لائٹ تھوڑا نظر آئے گی کہ میں کہوں گی دیکھو میکسیمم منیمم, میں کچھ نظر تھوڑا آ رہا ہے. میرے کو تو مشین لگانی پڑے گی نا جو آپ کو کاؤنٹ کر کے بتائے گی کہ اس میں الیکٹران زیادہ ہیں, اس پوائنٹ پر الیکٹران کم ہیں. جیسے اگر انٹرفیئرنس ہوتا ہے لائٹ کا تو کوئی ڈیٹیکٹر کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسکرین پہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو میکسیما بھی ہے اور منیما بھی ہے. پر اگر میں دیوار پہ الیکٹران گروں گا تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر میکسیما منیما کس کو دکھاؤں؟ تو اس کو یہ دیکھا نہیں جا سکتا, یہ صرف ایکسپیریمنٹلی صرف کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر انٹینسٹی زیادہ ہے, انٹینسٹی مطلب نمبر آف الیکٹران زیادہ ہے وہاں پر میکسیما ہے, جہاں کم ہے وہاں پر منیما ہے, کچھ ایسا. تو امیجن کر پا رہے ہو ڈیٹیکٹر کا کیا رول ہے؟ اسکرین کی طرح ایکٹ کرے گا اور آپ کو دکھائے گا نہیں, آپ کو صرف بتائے گا کہ کہاں پر الیکٹرانز زیادہ ریسیو ہو رہے ہیں, کہاں پر کم ہو رہے ہیں. ابھی وہ نک بتاؤں گا, ورکنگ نہیں, کنسٹرکشن. ڈیٹیکٹر کاؤنٹ کرے گا, نکل میں سے الیکٹران نکل کے آئیں گے, الیکٹران گن ہے بس. اب اسٹارٹ کریں ایکسپیریمنٹ. اب میں آپ کو انٹرفیئرنس دکھاؤں گا کس کس کے بیچ میں. اب اس کے بعد اس میں یہ اینگلس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں میں کیا ہے اس کا خاص رول. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈفرنٹ ڈفرنٹ الیکٹران گن کے پوٹینشیلز لیے. وی از اکول ٹو 1 وولٹ, 2 وولٹ, 3 وولٹ, 4 وولٹ, 5 وولٹ, دنیا بھر کے انہوں نے پوٹینشیل لیے ہوں گے. 1 وولٹ, 2 وولٹ, 3 وولٹ, 4 وولٹ, 10 وولٹ, 20 وولٹ, 40 وولٹ, 50 وولٹ, 54 وولٹ, 64 وولٹ, 70 وولٹ, 100 وولٹ. ٹھیک, میں نے 54 پہ تھوڑا زور کی بولا, 54 وولٹ خاص ویلیو آئے گی ابھی دیکھنا اس میں. ٹھیک, تو انہوں نے سارے پوٹینشیل لیے, تو انہوں نے کیا کیا, ڈفرنٹ ڈفرنٹ پوٹینشیل پہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ اینگلز ہوں گے اسٹرائک کرنے کے. الیکٹران آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, الیکٹران کی بیم آ رہی ہے ٹکرا کے جا رہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اگر میں وی چینج کرتا ہوں الیکٹران گن کا تو پینیٹریشن چینج ہوتی ہے اور ریفلیکشن بھی چینج ہوتی ہے. مطلب یہ جو اینگل ہے, یہ جو اینگل کی ویلیو ہے 5, یہ چینج ہوگا ڈپینڈنگ اپون ڈفرنٹ ڈفرنٹ ویلیو آف وی. ٹھیک, یہ آبزرویشن ہیں, میں کیوں اور کیسے نہیں بتا رہا, وہ اب ایکسپلینیشن دیں گے ایسا کیوں. بٹ انہوں نے آبزرو کیا کہ اگر میں 1 وولٹ, 2 وولٹ, 3 وولٹ رکھوں تو 5 کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ تو جب انہوں نے 1 وولٹ رکھا, 5 کی ویلیو لیٹ سے 1 ڈگری تھی, جب انہوں نے 10 وولٹ رکھا تو لیٹ سے 12 ڈگری تھی کچھ بھی, اور جب 54 وولٹ رکھا تو 50 ڈگری تھی 5 کی ویلیو, اینڈ سو آن. 54 وولٹ اور 5 کی ویلیو کتنی تھی, 50. ایک خاص ویلیو ابھی آئے گی, اس کا یوز بتاؤں گا میں. تو انہوں نے بہت سارے گراف پلاٹ کیے, 100, 200, 3000, 4000, مجھے پتا نہیں کتنے, کرتے ہی گئے. تو انہوں نے ان میں سے آپ کو 2-3 گراف دکھائے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا 44 وولٹ پہ تو میں نے دیکھا کہ یہ انٹینسٹی ہے, دس از دی ویلیو آف انٹینسٹی, تو کچھ کرو ایسا بنا. 48 وولٹ پہ یہ کرو ایسا بن گیا, 54 وولٹ پہ یہ کرو کچھ زیادہ ہی کچھ جو ہے اس میں جو اس کا کروس جو ہے وہ بڑھ گئی اس کی, اور اگر 60 وولٹ پہ گئے پوٹینشیل اور بڑھا دیا, تو بڑھنے کی بجائے اس کی ویلیو کیا ہو گئی, کم ہو گئی. اور وولٹیج اپلائی کی تو بڑھنے کی بجائے اور کم ہو گئی, اور وی اپلائی کیا اور کم ہو گئی. اب سمجھ نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور انٹینسٹی کا مطلب یہ جو جتنی اس کی کروس آ رہی ہے, کرو کا مطلب ہے انٹینسٹی زیادہ ہے, انٹینسٹی کی ویلیو زیادہ ہے. اگر میں ان سارے گرافس کو جوائن کروں تو آپ کو دکھاؤں کیا بنے گا. اگر میں جوائن کروں گا نا انہیں, یہ گراف ہے, یہ گراف ہے, دیکھو وہ صرف
आपको ये पोर्शन दिखा रहा है, बस ये वाला पोर्शन 54 वोल्ट पे सबसे ज्यादा जो कर्वनेस थी वो 54 वोल्ट पे, ये 54 वोल्ट है, ये 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी है, ये लेट से 48 वोल्ट पे है, लेट से ये 60 वोल्ट पे है, एंड सो ऑन। कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके अंदर ये 54 वोल्ट है, ये अगर मैं वोल्टेज कम रखूं तो इंटेंसिटी कम है, फिर बड़ी, फिर इंक्रीज हुई, 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा देखी गई, फिर जब वोल्टेज बढ़ाई कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई एंड कम हो गई। तो देखो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, उन्होंने इन्फ्रेंसेस निकाले, जब सारे कर्व्स को उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी पहले कम है, फिर ज्यादा हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर बहुत ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, तो उन्होंने ये इन्फ्रेंस निकाला क्या जो हम भी निकाल चुके हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई, और फाई फर्दर किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल वी पे। हम ये फाई भी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चेंज कर रहे हैं, वी चेंज कर रहे हैं, पेनिट्रेशन चेंज हो रही है, फाई चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब सब कुछ वी पे डिपेंडेंट हो गया ना, तो फाई चेंज हो रहे हैं। तो ये देखा गया ऑलवेज अ बम और किंक अकर्स इन अ कर्व एट फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री द एंगल विच द स्कैटर्ड बीम मेक्स विद द इंसिडेंट बीम द बम्प ऑब्जर्व्ड इज मैक्सिमम। यानी कि जब वी की वैल्यू कितनी है 54 वोल्ट और फाई की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, तो देखा गया कि इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा आई। ये दिखेगी नहीं, ये कर्व तो इमेजिनरी है, अगर मैं बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा, दिखता थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन जब गिरेंगी तो वो दिखेगी थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे गिर रहे हैं, ये तो आपको डिटेक्टर काउंट कर करके बताएगा कि ज्यादा यहां पर कम, यहां पर कम, यहां पर कम और यहां पर कम। आप इमेजिन करोगे ऐसा कम कैसे हो सकता है कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा किसी पे कम कैसे हो रही है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है द साइज ऑफ बम गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है इंटेंसिटी, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, द साइज ऑफ बम बिकम्स मैक्सिमम कब 54 वोल्ट पे एंड इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बाय फर्दर इंक्रीज इन वोल्टेज। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो वी की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम। अब इस केस में ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंटिंग है वो चेंज कैसे हो रही है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि अपीयरेंस ऑफ बम्प इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट रेगुलरली स्पेस एटम ऑफ अ क्रिस्टल। बताया ना मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिंग है एटम्स की, वहां से टकरा के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से आ रही है बीम फिर वहां से आ रही है, आपस में क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है कहीं ना कहीं अंदर, और इंटरफेरेंस जब हो रही है तो यानी कि या तो मैक्सिमा जनरेट होगा या फिर मिनिमा जनरेट होगा, कुछ इस तरीके से हो रहा है इसमें, सच दैट कि जब ये ग्राफ ये जो डायग्राम है इसमें वापस आ जाओ, इसमें जब एंगल ये वाला जो एंगल जो दिखाया गया है, ये एंगल जब 50 डिग्री है, ये इसका एक्सिस है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, तो इसमें ये फाई है तो ये एंगल थीटा एंड थीटा ही बनेगा, ये एंगल थीटा और थीटा ही बनेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे ये एंगल बराबर बनते हैं, पर इन एंगल की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर मुझे ब्रैग्स लॉ लगाना है ना तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को इसकी जरूरत होती है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करूं, ये देखो ये एक इमेज है ब्रैग्स लॉ की, नेट से डाउनलोड की है मैंने, कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की बीम्स आ रही हैं, इधर देखो ये एटम्स हैं, क्रिस्टल है, और इन क्रिस्टल में जो स्पेसिंग है वो क्या है, डी के इक्वल है, इसको इंट्राटॉमिक स्पेसिंग बोलते हैं, और मेरे को ये एंगल नहीं चाहिए, मेरे को इस साथ एंगल चाहिए कितना, थीटा। मतलब कुछ ये डायग्राम आपको ये शो कर रहा है, मतलब
मैंने वैसे नेट से डाउनलोड किया था देखने के लिए इसमें और डिटेल मिल जाता, तो एक ये मिला मेरे को और एक वेबसाइट ये मिली थी जिसमें सेम डायग्राम ही बनाया हुआ है, जैसे एक बार देख लो। जिसमें फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहां से थोड़ा सा हिंट भी मिल रहा है कि अगर जो स्पेसिंग एटम के बीच में d है तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इससे, तो अगर नीचे वाला बीम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ऊपर वाले बीम से तो कितना, ये निकालने की कोशिश की गई है कितनी d sin थीटा, कुछ इस तरीके से मतलब इसका प्रूफ चलेगा। और कुछ ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमा की कंडीशन आएगी वो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा आएगी, मतलब आपको इसको ये एक्सपेरिमेंट कुछ और है, एक्सपेरिमेंट कुछ और है, ये ब्रैग्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे नहीं है, निकल के साथ नहीं है, ये एक्सरेज का एक्सपेरिमेंट है। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्पेसिंग कैसी होती है और एक्चुअल में कैसे इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है दो लेयर से जब टकरा रही है तो कैसे इंटरफेयर हो रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया है, आप खुद सर्च भी कर सकते हो अपने गूगल पे जाके अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक, तो इसमें मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ये एंगल फाई है और ये जो एंगल एक लाइन खींची हुई है ये अंदर लेयर्स के साथ लाइन होती है और जो एंगल बनता है साइड्स पे वो थीटा थीटा बनता है, जिस वजह से मींस एक लेयर से बीम जा रही है दूसरी लेयर से बीम जा रही है और साइड पे जो एंगल बनेगा वो एग्जैक्टली सेम बनेगा थीटा एंड थीटा, जैसे अभी मैंने आपको अभी दिखाया था ये सेम टू सेम है कि जैसे ये जा रही है बीम, ये जा रही है बीम, तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए थीटा एंड थीटा और ये वाला एंगल क्या होता है फाई, कुछ इस तरीके से है। तो इसमें इसके अंदर मैं अपना कोई भी एक कर्व चुनने वाला हूं, एक कर्व, और मैंने एक कर्व चूज कर लिया जब वी की वैल्यू कितनी है 54 वोल्ट, जब इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है और ऑब्जर्वेशन है कि जब वी 54 वोल्ट है तो फाई की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मैंने नहीं है तो बस वहीं से हम लेके आ रहे हैं। तो अगर 550 है, अगर 550 है तो उस केस में ये बीम आई और ये चली गई मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो उस केस में ये जो थीटा प्लस 50 की वैल्यू कितनी होगी, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180। तो यहां से थीटा निकाल लो, थीटा की वैल्यू आएगी 180 माइनस 5 अपॉन 2। तो जब फाइव की वैल्यू मैंने 50 डिग्री पुट की तो मैंने देखा थीटा की वैल्यू कितनी आई 65 डिग्री। मेरे को शौक नहीं था 65 डिग्री निकालने का, फाइव आ चुका है, पर प्रॉब्लम यह है कि जो ब्रैग्स लॉ की कैलकुलेशन होती होगी जो आपको और मुझे नहीं पता लग रही कि कैसे इंटरफेरेंस होती है, उसमें साइड का एंगल देखा जाता है थीटा, इसलिए थीटा निकालना पड़ा 65। बस यही पार्ट था जो मैं कह रहा था आपको तंग करेगा, बोलो। नहीं, एक जब फिक्स कर दिया ना तो स्कैटरिंग होती है टकराने के बाद, ऐसा थोड़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन गया एक चला गया, तो ये फिक्स नहीं है, आपके इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो साइडों से भी निकल जाएंगे, ये तो एटम बैठे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया वो वहां जाके टकरा के वापस आ गया, ऐसे नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे नहीं है इकट्ठी ऐसे नहीं आ रही, एटम तो बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ऐसे, कुछ यहां से निकल गया कुछ यहां से आ गया कुछ यहां से आ गया, इमेजिन करो, तो एक एटम को टकरा के थोड़ा चला जाएगा, तो बहुत सारे एटम को टकरा के जाएगा। मैं तो ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं ना, मैं एक के ऊपर रिजल्ट कैसे दूं? आप ठीक है, आपको एक के ऊपर काम करना है ना, एक ग्राफ लेना है 54 वोल्ट ले लो, 2 वोल्ट वाला ले लो, 2 वोल्ट के साथ फाइव ले लेना, उसका थीटा निकाल लेना, एक ही बात है, जो मर्जी एक केस उठा लो, 100 ग्राफ बने ना, 100 अलग अलग वोल्टेज के ग्राफ बने, अब 100 मत लो एक लेना है जो आपके मन में है वो ले लो, आपकी बुक वाले ने 54 वोल्ट ले लिया, आपने 2 वोल्ट लेने, अब 2 वोल्ट के साथ नेट वो जो एक वेबसाइट दिखाई थी ना मैंने उसे ले जाना, उसमें ना वो एक कैलकुलेशन के लिए वो दिया हुआ था एक मैथमेटिकल फॉर्मूला कि अगर आपको वोल्टेज अप्लाई करोगे 54 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट तो थीटा निकाल लेना,
मतलब वो आपको पूरा करके दिखा रहा है वेबसाइट कि थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। आपको जो लेने ले लो, जो मैं करने जा रहा हूँ रिजल्ट सेम आएगा उसमें भी। तो एक लेना है, एक वोल्टेज फिक्स करनी है। ओके, यहां तक क्लियर है? बीच में टॉपिक रहना जाए, आगे देखो, इसके बाद फिर से आप जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लेना। तो फाई की थीटा की वैल्यू 65 डिग्री आ गई, प्लीज आगे देखो, इसको खत्म करना है मुझे। अब 54 वोल्ट पे ध्यान से देखो, इधर 54 वोल्ट पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मैक्सिमा थी, और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब कौन सा मैक्सिमा चल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा चल रहा है। डिफ्रैक्शन इसलिए क्योंकि खुद की इलेक्ट्रॉन बीम से क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है। तो यहाँ डिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैक्सिमा का 2d साइन थीटा 1 लैम्डा, सॉरी n लैम्डा, मैक्सिमा की कंडीशन है। और हम सबसे ज्यादा 54 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। मैं 2 वोल्ट 4 वोल्ट पे क्यों नहीं काम कर रहा? मुझे पता ही लगेगा कि कौन सा मैक्सिमा है, मैं इन क्या पुट करूंगा। 54 में तो क्लियर है ना, 54 वोल्ट में ही काम होगा। क्यों? ये तो पता है ना कि इससे ऊपर मैक्सिमा तो आया नहीं 54 वोल्ट पे, तो जिसमें एन की वैल्यू क्या ले ली उसने? 1। ये पहला था, सबसे हाईएस्ट। तो लैम्डा की वैल्यू मैंने निकालनी है। डी का मतलब एटम की स्पेसिंग मुझे मालूम थी क्रिस्टल की, और थीटा जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं 54 वोल्ट पे, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। लो, मैंने लैम्डा निकाल लिया। ठीक है, यहां तक फाइनली लैम्डा आ गया। अब आसान है, अब डी ब्रोगली को बुला लेते हैं। डी ब्रोगली बोलता है कि ब्रैग लॉ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, मेरी बात सुनो। मैं ये मानता हूं कि एक मूविंग पार्टिकल का लैम्डा मुझे भी निकालना आता है। फॉर्मूला भी करवाया, कितना? 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। अब मत पड़ो वेव के चक्कर में, आप एक काम करो, इससे लैम्डा निकालो और वी की वैल्यू कितनी है? 50। आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आ गया। डी ब्रोगली ज्यादा बेटर आंसर देता है, एक लाइन में आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आंसर दोनों में सेम आ रहा है, और अज्यूमिंग की ब्रैग लॉ उन्होंने सही लगाया था पढ़ के पूरा केमिस्ट्री, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उनकी दोनों नेचर से, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी। समझ आया? और ये भी समझ आ गया कि कौन सा पार्ट याद करने, कौन सा पार्ट मैंने समझाया नहीं। ठीक है ना, मतलब आप घर जाके सोचते रहोगे यार समझ नहीं आया मुझे, मैंने समझाया ही नहीं। आपको समझ नहीं आ सकता वो, अगर आपको बहुत और स्टडी करना है तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। आप बुक्स देखने की कोशिश मत करना, आपको कोई बुक इसका आंसर नहीं देगी। मैं देख चुका हूं, क्योंकि मैं नेट से भी डाउनलोड कर चुका हूं, बहुत कुछ दे चुका हूं, लेकिन इन दी एंड घंटे दो घंटे तीन घंटे लगाने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, हाथ में ये फॉर्मूला ही आया। बहुत डिटेल चली गई थी एक्सरेज, और उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। ठीक, आपको लगाना है आप लगाओ। तो अभी ये चीज क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सबको, हो जाएगा प्रूफ। आपको जब पेपर में आएगा आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है जैसे मेरे असाइनमेंट में लिखा हुआ है। पहले आपने डायग्राम बनाना है, नहीं पहले आपने ये बताना है कि डेविसन जर्मर ने किया क्या था, दो नेचर प्रूफ की थी, फिर आपने इसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, चार ग्राफ बना के या तीन ग्राफ बना के 54 वोल्ट को थोड़ा अच्छा सा बनाना, जो उसका कर्व है ज्यादा बड़ा बनाना, और फिर एक्सप्लेनेशन देना, फिर मैथमेटिकली लैम्डा निकालना वेव नेचर के साथ और पार्टिकल नेचर के साथ, और एंड में प्रूफ कर देना। बीच में भूल भी जाओ तो इसकी वेवलेंथ याद कर लेना कि हमने कितनी निकाली, 1.65 एंगस्ट्रॉम, सही आ गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है, बस ये चैप्टर यहीं तक है, और न्यूमेरिकल्स पहला न्यूमेरिकल छोड़ दो, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। सेकंड के अंदर बहुत सिंपल है, इधर देखो, कैलकुलेट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ गिवन। मोमेंटम तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंगली अभी हमने किया था लैम्डा क्या होता है, h डिवाइडेड बाय p, तो p क्या होगा, h डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा पता है, h पता है, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? मोमेंटम की। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, समझ आ रहा है यहां तक? मेरे पास p की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एनर्जी? अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी क्या होती है? hc बाय लैम्डा। तो hc बाय लैम्डा से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, एच सी बाई लैम्डा एनर्जी। नेक्स्ट है, इस पूरे चैप्टर में याद रखना, अगर आपको एनर्जी या वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। और उल्टा भी ट्रू है, जैसे 2 × 10 की पावर -16 जूल गिवन है,
आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने हैं तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻¹⁹, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जरूरत पड़ती रहेगी क्योंकि आधी चीजें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती हैं और आधी चीजें जूल में होती हैं। जैसे जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हो ना, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, प्रॉब्लम ये है कि आपके सारे वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं और ये सब किस में चलते हैं, तो या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ई के साथ, चार्ज के साथ, जूल में, मतलब तीनों या तो जूल रखो या तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन है, द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या गिवन है, न्यू नॉट, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, न्यू, तो क्या निकालना है, कट ऑफ वोल्टेज। तो कट ऑफ वोल्टेज मुझे निकालनी आती है, सबसे पहले एच न्यू वर्क फंक्शन को क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर, क्या निकालना है इसमें, कट ऑफ पोटेंशियल। तो एक काम करते हैं, एच न्यू को तो ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो, इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर, ईवी नॉट होता है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है, मुझे मालूम है, मुझे गिवन है, मुझे मालूम है, मुझे गिवन है और मुझे मालूम है, एच और एच तो मुझे मालूम ही है और न्यू मुझे गिवन है, आ जाएगा वी नॉट। समझ आ रहा है सबको, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, क्या गिवन है, लैम्डा, पेट के ऊपर गिरता है, वर्क फंक्शन गिवन, डब्ल्यू नॉट गिवन, एनर्जी निकालो फोटोन की क्या होगी, फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच सी बाय लैम्डा, लेकिन ये जूल में आएगी तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मुला क्लियर, एच सी बाय लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एच सी बाय लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एच सी बाई लैम्डा से आप फर्स्ट पार्ट से एनर्जी निकाली चुके हैं, यहां से क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ये पार्ट भी आ गया, ठीक। नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब आपके पास बी पार्ट से काइनेटिक एनर्जी ही आ गई तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई इंटू वी नॉट, सॉल्व कर लेना, वी नॉट आ जाएगा। मेथड क्लियर है सबको, अच्छा तो समझ आ रहा है, ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, ये गलत क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल ऑफ मास गिवन, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालो, मूविंग विद अ वेलोसिटी सच दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हमने डिस्कस किया हुआ है एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m मोमेंटम की फॉर्म में, पी इज 2me का अंडर रूट, ये पी आ गया 2me का अंडर रूट, और हमें लैम्डा निकालना है, लेकिन लैम्डा डी ब्रॉगली के फॉर्मुले से निकालना है, ऐसे मत निकाल देना, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली एच डिवाइडेड बाय एमवी, तो एमवी मोमेंटम को एनर्जी के फॉर्म में लिखा, सारी वैल्यूज गिवन है, यहां से किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, टेस्ट है अगली बार, ठीक। नेक्स्ट है, पढ़ो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, वेवलेंथ गिवन फ्रॉम अ 100 वॉट मर्करी सोर्स इरेडिएट्स अ फोटो सेल मेड अप ऑफ सम मटेरियल, इफ अ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.3 वोल्ट कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। बीच में ना ये पावर का चक्कर डाल के बैठ गया, ऐसे लगता है कि शायद हमें क्वेश्चन आएगा नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, इसकी जरूरत नहीं है। तो एक यूवी लाइट है जिसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, ये मुझे जरूरत नहीं है। इफ अ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन गिवन है, क्या निकालना है,
सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वी नॉट गिवन है वर्क फंक्शन निकालना है, निकल जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह ई इंटू वी नॉट क्या निकालना है मुझे वर्क फंक्शन गिवन है वर्क फंक्शन आ गया ठीक कोई डाउट इसमें वर्क फंक्शन आ गया एक काम करो वर्क फंक्शन एच सी बाय लैम्डा नॉट क्लियर है जो वर्क फंक्शन है इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट यहां से किसकी वैल्यू आ गई लैम्डा नॉट आ गया पूछा नहीं है अगले पार्ट में जरूरत पड़ेगी इससे निकाल दिया तो मेरे पास लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई पहला पार्ट तो वर्क फंक्शन निकल जाएगा ना अब सेकेंड पार्ट में यह पूछा गया है कि अगर सपोज करो हाउ वुड द फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन अब आपको नई वेवलेंथ गिवन है वो पूछ रहा है कि अगर मैं इस बल्ब के साथ रेडिएशंस करूं तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा विल इसका मतलब क्या होता है वुड रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड का मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा तो बताओ अगर मैं इतने लैम्डा से अपना एक्सपेरिमेंट करूं तो बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा तो इसके लिए कंपैरिजन करना पड़ता है देखो अगर तो क्वेश्चन ऐसे होता अगर मेरे को न्यू नॉट पता होता और रेड लाइट का न्यू पता होता तो मेरे को पता है इफ न्यू ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ऐसे करते हैं ना पर इसमें न्यू नॉट नहीं पता इसमें क्या गिवन है वो तो मैंने निकाला वर्क फंक्शन से लैम्डा नॉट और रेड लाइट का लैम्डा भी गिवन है कुछ 6000 समथिंग है जितना भी है और लैम्डा नॉट मान लो एक मिनट के लिए 2000 है मान लो दोनों निकाल लेना आप तो बताओ अगर मैं ये वैल्यूज दे दूं तो आप बता सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा होगा क्योंकि लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट नहीं वेवलेंथ उल्टी होती है ना फ्रीक्वेंसी के न्यू एच जो है जो एनर्जी है वो क्या है एनर्जी इज एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ के रिजल्ट फ्रीक्वेंसी के रिजल्ट से उल्टे होते हैं इट मींस कि इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट और लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट एक ही बात है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा और या फिर ये केस नंबर वन है केस नंबर टू है क्या केस नंबर टू है कि अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट है और लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट है इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा एक ही बात है तो इस केस में नहीं होगा मेथड क्लियर है कोई डाउट किसी को इसमें सबको समझ आ रहा है बढ़िया चैप्टर है ना आसान है ये सीबीएसई है जो ये हो रहा है ना ये होगा कि नहीं होगा ये सीबीएसई है कॉम्पिटिशन क्या है आपको असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको एकदम समझ आ जाएगा क्वेश्चन मुझे ना वो दूसरे बैच के स्टूडेंट कल परसों की बात है वो गिना रहा था क्या सर मेरे को सब पता लग गया कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स में से आता है एक वे में से आता है एक रे में से आता है और दूसरा और उसमें से मैग्नेटिक में से एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में से एक आता है आप जरा पहला क्वेश्चन पढ़ना देखो इसके बाद इसका आंसर मिलेगा आपको रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ गिवन इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ प्लेट लैम्डा गिवन है प्लेट में से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल पड़े व्हेन वर्क फंक्शन इज गिवन ये भी ठीक है इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी कहां से आ गया तो एक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है एक क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का भी आता है देखो ऐसे आते हैं आगे देखो इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेट व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड नॉर्मली क्वेश्चन में आपको क्या करता है आपको ना लैम्डा की वैल्यू देता है आपको वर्क फंक्शन भी देता है ठीक है फिर वो कहता है कि इससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से मूव करेगा एच सी बाय लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर आपको क्वेश्चन में ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है ठीक तो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हाफ एम वी स्क्वायर आप निकाल लेना ये आ गया यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो समझो किसकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गई ठीक अब वो कहता है इस इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया तो इट विल मूव इन अ सर्कल सर्कल का रेडियस बताओ क्या होगा तो आर का फॉर्मूला याद है मैग्नेटिक इफेक्ट में साइक्लोट्रॉन एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू बी गिवन है और फ्लक्स डेंसिटी बी होती है यूनिट्स पढ़ लो टेस्ला
बी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास पता है, वेलोसिटी मुझे मैं निकाल लूंगा आर आएगा। पॉइंट ये नहीं है कि क्वेश्चन समझ आ गया, पॉइंट ये है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे ये समझ आ रहा है, अभी तो शुरू है। ये थर्मोडायनेमिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉम्बिनेशन भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूअल नेचर, थर्मोडायनेमिक्स, फोटोमेट्री, चारों के कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन तो खैर आईआईटी में आया हुआ है, लेकिन नॉर्मल पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, एयर ट्रिपल या पीएमटी में ऐसे क्वेश्चन तो बनते हैं, कुछ भी नहीं है। दो दो चीजें, दो चैप्टर्स को मर्ज करके ही क्वेश्चन आएगा। और लोग बोलते हैं ना मॉडर्न फिजिक्स बहुत आई, ये रीजन है मॉडर्न फिजिक्स आने का, वो आपको बी का क्वेश्चन सीधा नहीं देगा, आपको बी के साथ कंबाइन करके ये दे देगा। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स में हमेशा बोलता हूँ बहुत अच्छे से करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसके थ्रू ही निकालेगा। वो देखना आप पुराने पेपर उठाओगे ना, आपको मालूम पड़ेगा कि मॉडर्न फिजिक्स